अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी जो वीडियोस आती हैं डेली बेस पे, वो आप लोग बहुत दिल लगा के देखते होंगे ध्यान से। वेरी गुड। सो एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास यू वर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड वी डिड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड वी सॉल्वड few word problems as well and I gave you homework, all right? So I'm sure कि आप लोगों ने खूब दिल लगा के अपना homework किया होगा और submit भी कराया होगा time पे। Very good। ये maths का subject है, it requires practice, the more practice you will do the better you will become, all right? So let's get started। Today we are going to solve some multiplication questions which are given on page number 66. All right, page number 66, multiply. So part A, these are so many questions और आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्किल्स इंशाल्लाह अच्छी होंगी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला टेबल है 7 times 2। तो आप ये बात याद रखें कि यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा टेबल रीड करना है, 2 times, 4 times, 3 times, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप रिवाइज कर लीजिए, 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल, 5 का टेबल रिवीजन करने के लिए भी दिया था, इसीलिए दिया था ताकि आप लोग बेसिकली जब हम आगे क्वेश्चन करें तो आपको याद हो, आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि 2 times 1 ज़ा क्या होता है, 2 times 5 ज़ा क्या होता है, 2 times 8 ज़ा क्या होता है, या 3 का कहीं से टेबल आ जाए, डॉच टेबल्स बेसिकली इन्हें कहते हैं, तो आपको पता हो और आप आसानी से विदाउट एनी कन्फ्यूजन या विदाउट गेटिंग वर्डीड यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो दिस इज 7 times 2, बट हम इसको रीड इस तरह करेंगे 2 times 7। तो 2 times 7, जब आप 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 times 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 7 ज़ा 18, 2 times 4, 2 times 7 gives us 14, 2 times 8 gives us, और फिर ये वैल्यू भरते भरते हमारा आंसर इंक्रीज होता है, टिल 2 times 10 gives us 20। ऑलराइट, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेबल्स का रिवाइज हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ए का आंसर क्या आएगा, 2 times 7 gives us 14। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 2 times 5। तो यहाँ भी आपको क्या होना चाहिए, 2 का टेबल रिवीजन किया हुआ हो, और अगर अभी भी नहीं किया तो परेशान ना हो, आपकी बुक में ही 2 times table गिवन है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 59 ऑफ योर बुक्स, हमने सॉल्व भी करा है। तो 2 times 5 gives us 10। अगर 2 babies हैं, दोनों के पास 5 candies हैं, तो ऑल टुगेदर कैंडीज कितनी होंगी। या तो आप ये कर सकते हैं कि 5 को 2 times ऐड कर दें, 10 बन जाएगा। ये सिंपलेस्ट वे इज टू मल्टीप्लाई 2 from 5। इजी आंसर विल बी सेम, 2 times 5 gives us 10। एंड यहाँ भी 10 काउंट कर लीजिए, 2 5 की वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखा आंसर 10 आया, ठीक है। 10 times 2 or 2 times 10 हम इसे रीड करेंगे, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, कि अगर बेसिकली 2 babies हैं और टोटल कैंडीज हैं 10, 2 times 10, जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टोटल बेबीज़ हैं 2, हमने 10 10 दोनों को देनी है, ठीक है। तो 10 and 10, मगर बेबीज़ हैं 2, तो 10 times 2 हो जाएगा, और 10 times 2 gives us 20, 20 विल बी द ऑल टुगेदर अमाउंट। ऑलराइट, वेरी गुड। द नाउ द नेक्स्ट सम इज अबाउट 4 times table। अब तो 2 times table के सम्स हमारे चले गए, नाउ दिस इज अबाउट 4 times 7। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको अपने टेबल्स आते हैं, आपने रिवीजन किया हुआ है, इट विल बी वेरी इजी। ऑलराइट, तो यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 kids हैं एंड ईच हैज 7 7 7 कैंडीज, हाउ मेनी किड्स, 4
ईच हैविंग सेवन 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 कैंडीज. हाउ मेनी कैंडीज दीज फोर किड्स हैव. हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई. और यू कैन एड एज वेल. कीप प्रैक्टिसिंग. रफ वर्क आई एम श्योर आपने बनाया होगा अपनी नोटबुक्स में, है ना? तो सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन गिव्स अस 28. सेवन टाइम्स वन फोर. फोर का टेबल रीड करेंगे तो जब आप फोर को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से तो आंसर क्या आएगा? 28. वेरी गुड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व द रेस्ट ऑफ द सम्स. 8 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 10. मल्टीप्लाई दीज सिक्स सम्स, रिमेनिंग सिक्स सम्स. और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आपकी स्क्रीन्स पे आपका रिसोर्स लिंक अटैच कर दिया जाएगा. उसके बाद तो आई एम श्योर यू वोंट हैव एनी डिफ़िकल्टी. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड आफ्टर सॉल्विंग यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज रिसोर्स लिंक्स एज वेल. ऑलराइट, तो प्रैक्टिस करने के बाद अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन काम करने के बाद स्क्रीनशॉट लें, टीचर को सबमिट करा दें अच्छे बच्चों की तरह टाइम पे. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन वीडियोस के साथ. जब तक अपना खूब ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.